What we do here is go back, 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 back. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। माय नेम इज निखिल एंड यू ऑल आर वॉचिंग NJ23। तो आज हमारे पास एक स्पेशल प्रोडक्ट है, तो ये है बाइक का चार्जर। आपको दिखाता हूँ पास से। तो ये ऐसे चार्जर है, तो इसको मैं स्विच के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ अपने बाइक से। तो बहुत ही बढ़िया चार्जर है, इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है। मैं लास्ट 1 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा ये साल के बारिश में ख़राब हो गया था चार्जर, इसके लिए मैंने नया ऑर्डर किया है। तो इसका मैं माउंट दिखा देता हूँ आपको कैसे है। और ये मैंने ऑफलाइन लिया है एक गैरेज से, खारगर में। तो इसके साथ हमें माउंट्स आते हैं, तो माउंट्स में दिखाता हूँ आपको खोल के, तब तक आप बॉक्स देखिए। तो गाइस अनफॉर्चुनेटली ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, लेकिन ये इसका रिव्यू अच्छा था, इसके लिए मुझे ये लेना पड़ा, क्योंकि इसमें स्विच की ज़रूरत नहीं है, खाली इग्निशन के ऊपर है। तो और ये सबसे चीप है, तो मतलब अगर आप देखेंगे तो 200 तक ये आ जाता है, और मैक्स टू मैक्स अगर कम करने जाएंगे तो 150 तक भी आ जाता है ये चार्जर। और अभी मैं आपको ये बताता हूँ, इसका माउंट दिखाता हूँ, मेरा जो पुराना चार्जर का माउंट था वो दिखाता हूँ आपको। तो गाइस आप इसका माउंट देख सकते हैं कैसे है। इसमें खाली आपको एक सेकेंड, तो इसमें खाली आपको ये करना है प्लग एंड प्ले जैसे। इसको मैं अडेप्टर सिस्टम बना के लेने वाला हूँ, तो जब भी राइड रहेगा तो ही मैं इसको लेके जाऊँगा, नहीं तो फिर निकाल के रखूँगा। क्योंकि अपना इसके वजह से, बारिश की वजह से, और बाइक हम लोग वॉश करते हैं तो उसके वजह से अंदर रस्टिंग हो जाता है, तो इसके लिए। तो मैं अभी आया था घर से थोड़ा बाहर, चार्जर फिट करने के लिए आया था, और घर पे तो गाइस घर पे थोड़ा रिनोवेशन का काम चालू है, इसके लिए मुझे बाहर आना पड़ा। और अभी मैं जाऊँगा फिट करने, लास्ट 1 मंथ से घर पर थोड़ा रिनोवेशन का काम चालू है, तो कुछ दिनों बाद घर से ब्लॉक चालू होने वाले, तो अभी हम लोग निकलते हैं गैरेज वाले के पास। गाइस ये पहला वाला माउंट है, तो आप देख सकते हैं कैसे है। तो इसके ऊपर भी सेम फ्रेम है, और इसमें आप स्क्रू एडजस्ट करके लगा सकते हैं कौन सा भी। और ये सेकंड वाला माउंट है, तो ये वाला मेरे बाइक के ऊपर है फिलहाल, तो आप देख सकते हैं इसको कैसे फिट करना है। तो इसमें खाली स्क्रू वगैरह डाल के फिट करने का है, और इसके स्क्रू भी इसमें दिए हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, और खाली ये इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा, एकदम सिंपल है फिट करना। तो आपको मैं दिखाता हूँ इग्निशन में मेरा ऑन कर रहा हूँ बैटरी, तो आप देख सकते हैं बाइक मैंने फोर्थ गियर में बंद की है। तो अभी रुका, मैंने सोचा अरे आपको दिखा देता हूँ। तो इधर आपको लाइट दिखाई देगी, तो यहाँ पे मैंने बटन लगाया एक्स्ट्रा, तो ये बटन मैं ऑन करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं लाइट, मतलब ये चालू हो चुका है। और अभी मैं बटन बंद करता हूँ, ये बंद हो गया, ये चालू हो गया, ये बंद हो गया। तो ऐसा ये चार्जर है, और साथ ही साथ मैंने, तो गाइस ये माउंट मेरा पुराना ही था, उसके ऊपर मैंने लगा दिया है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक माउंट लगाया है, तो इसके ऊपर भी हम लोग लगा सकते हैं। तो खाली इसमें से चार्जर को खींचना है बाहर, तो ऐसे चार्जर निकल जाता है इस माउंट से, मैं इस वाले माउंट में लगा सकता हूँ। तो मुझे अभी इसमें सॉकेट करने का है एडाप्टर सिस्टम, तो उसके बाद और अच्छा हो जाएगा। तो इधर भी मैंने माउंट लगा दिया है, वैसे भी हम लोग लगा सकते हैं, और ऐसे कुछ दिख रहा है इधर माउंट के साथ, तो ये माउंट मैं निकाल सकता हूँ, किधर भी लगा सकता हूँ। तो बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, इसके लिए मैंने ये वाला चार्जर लिया, क्योंकि मेरे पास ये वाला माउंट था पुराना वाला, और माउंट ज़्यादा रहेंगे तो ऑप्शंस भी बढ़ते हैं इसके लिए। तो अभी इसको निकालते हैं, तो ये निकाल लिया और इधर लगा देते हैं। तो हो गया फिक्स। तो इसका मैं वायरिंग डायग्राम आपको घर पे जाके दिखाता हूँ। सो गाइस ये हमारा चार्जर है, ये हमारा किल स्विच है, और
ये हमारा चार्जिंग का स्विच है जो नॉर्मल हम लोग चार्जर में लगाने वाले हैं, तो ये चार्जिंग का स्विच है और ये बैटरी है। और गाइस ये अभी चार्जर में एक प्लस है एक माइनस है, तो बैटरी का भी एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस से हमको माइनस में लेने का है। तो इधर से हम लोग ऐसे लेंगे एक वायर ये स्विच को, चार्जर के स्विच को, जो कि हैंडल के ऊपर आने वाला है, हैंडल के ऊपर आने वाला है स्विच। तो इधर से हम लोग एक वायर लेंगे इधर नेगेटिव में, और ये हमारी बाइक का किल स्विच है जो BS4 BS6 बाइक से उसमें किल स्विच आता है, तो बैटरी से एक वायर उनको कनेक्टेड रहती है किल स्विच को, तो किल स्विच से एक वायर हमको ये साइड में लेना है सीधा चार्जर को। तो ये हमारा चार्जर है जिसको, तो गाइस ये स्विच किल स्विच को जब भी हम लोग ऑन करेंगे फिर ऑन करेंगे और ये भी स्विच को ऑन करेंगे, ये तो चार्जर का स्विच है तो चार्जर चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ऐसा कुछ वायरिंग डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एकदम सिंपल प्रोसेस है। तो फिर वापस चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो गाइस अभी वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है, तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और अभी हम लोग 2000 क्रॉस करने वाले हैं, तो नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं रेलवे ट्रैक के ये साइड में खड़ा हूँ तो आवाज़ आ रहा है, ट्रेन आ रही है। सो गाइस ट्रेन चली गई है और अभी बज रहे है 1 o'clock। तो गाइस हमारे जल्दी 10 के सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए अपने को केक कट करने का, और फिर बाइक वॉशिंग का भी एक वीडियो बनाने का है। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू NJ23। बाय। Here is go back.